डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद फारूक खान, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद फाखर शाकर की अवामी शिकायत पर सख्त अहकाम, एंटी इंक्रोचमेंट सेल लतीफाबाद की 12 नंबर जुमा बाजार में कार्रवाई, रोड एरिया क्लियर। एंटी इंक्रोचमेंट सेल लतीफाबाद के इंचार्ज शकील कुरैशी ने स्टाफ के हमरा जुमा बाजार में लतीफाबाद नंबर 12 में कार्रवाई करते हुए रोड एरिए को क्लियर कराया और रोड और फुटपाथ पर रखा सामान तहवील में ले लिया। इस मौके पर चंद अनासर ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अमले को काम से रोकने की भी कोशिश की, जिसे अमले ने नाकाम बनाते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। जैकबाबाद मकामी जिम्मेदार और नौजवान समाजी रहनुमा आगा दोस्त मोहम्मद खान पठान की जानब से अपनी मदद आप के तहत ताहाल सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का सिलसिला जारी। आगा दोस्त मोहम्मद खान पठान ने 200 से जायद सैलाब और बारिश मुतासरीन खानदानों के अफराद में राशन बैग और गर्म कपड़े, कम्बल, जैकेट और चप्पल तकसीम किए। मकामी जिम्मेदार और नौजवान समाजी रहनुमा आगा दोस्त मोहम्मद खान पठान ने अपनी रहायशगाह सुल्तान कोट में हालिया सैलाब से मुतासर होने वाले इलाके जहाँ वाशान और शेरवा समेत दीगर मुतासर इलाकों के 200 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन खानदानों के अफराद को ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया तकसीम करते हुए कहा कि 6 माह कबल हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले खानदानों में मुश्किल की घड़ी में भी हर मुमकिन मदद और तआवुन किया था और इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए 200 से ज़ायद खानदानों में राशन बैग, गर्म कपड़े, कम्बल, स्वेटर, जैकेट और दीगर ज़रूरियात का सामान तकसीम किया है। वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अप्रैल में रूस से खाम तेल के कार्गो आना शुरू हो जाएंगे। सेनेट में बयान देते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मार्च के आखिर में कमर्शियल डील के मामला तय होंगे, जिसमें यह तय होगा कि कितना डिस्काउंट होगा और किस करेंसी में काम होगा, जबकि रूस से कमर्शियल कार्गो के सफ़र का वक्त 20-21 दिन है। उन्होंने कहा कि ईरान की पेट्रोलियम की कंपनियों पर पाबंदी है, LPG और चंद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से बॉर्डर्स पर आ रही हैं, ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बढ़ाना मुश्किल है। राजनपुर कंट्रोलर वेट्स एंड मेयर्स पंजाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी का दौरा। राजनपुर डीओ इंडस्ट्रीज परवेज़ अहमद के हमरा इंडस शुगर मिल कोट बहादुर में ओजोन और पैमाइश के निज़ाम का तफसीली मुआयना किया। जनरल मैनेजर इंडस शुगर मिल कर्नल रिटायर्ड इरशाद कमर ने कंडा जात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुजफ्फर हुसैन अंसारी कंट्रोलर वेट्स एंड मेयर पंजाब ने शुगर मिल के सारे निज़ाम की जाँच पड़ताल के बाद तसली बख्श करार दिया। इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद किसानों से भी इस्तफसार किया। साथ ही डीओ इंडस्ट्रीज को हिदायत जारी की कि हफ्तावार की बुनियाद पर शुगर मिल के कंडा जात को चेक करके रिपोर्ट बाकायदगी से लाहौर ऑफिस भिजवाई जाए। इस मौके पर सनाउल्ला खान न्याजी, सज्जाद खान द्रेशक, मलिक अहमद खान, सलीम अहमद खान द्रेशक, रियाज आसफ खान, डॉक्टर कासम खान द्रेशक और दीगर अफराद मौजूद थे। SHO गुजर खान, इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद नवाज और टीम की कार्रवाई। SP सदर की हिदायत पर गुजर खान पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कस मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में इरफान असलम, जब्बार, ताहिर शामिल। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। SP सदर बिलाल महमूद सुलहरी की गुजर खान पुलिस को कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए। SP सदर बिलाल महमूद सुलहरी।